रुक जाओ डे रुक जाओ। बीच में फ्री कर दिया। सामने देखो वकील साहब, आ जाओ नीचे, आ जाओ थोड़ा सा नीचे, आ जाओ। हनुमान कौन? हनुमान जी, मैं यहाँ की जनता की स्थिति को देख तो ये यहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों से आम पब्लिक परेशान है और इस परेशानी से मैं निजात दिलाने के लिए यहाँ आम आदमी पार्टी को लाना चाहता हूँ, यहाँ उसका उद्देश्य करना चाहता हूँ। और दिल्ली की तरह जो दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने 2.5-3 साल में जो वादे किए उनको पूरे करके दिखाए, और मैं भी दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में विकास का काम करवाना चाहता हूँ। पार्टी को यहाँ लाकर भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाना चाहता हूँ। निर्माणा सीट को लेकर के कल काफ़ी गहमा गहमी रही, भाजपा अंत समय तक यहाँ पर कोई टिकट का डिक्लेरेशन नहीं कर पाई और आखिरकार में लास्ट टाइम पर कोई नया प्रत्याशी उतारा गया, क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीति है वो एक सांप्रदायिकता की रही, और उन्होंने इस बात को राजस्थान में किसी भी माइनॉरिटी के सदस्य को टिकट नहीं देके इस बात को साबित किया है। और हमारी पार्टी इसी बात को लेके हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी जाति पात और धर्म में विश्वास नहीं रखती है। हम मंदिर और मस्जिद के बजाय हम स्कूल और अस्पताल में विश्वास करते हैं जिससे कि आम जन को फायदा हो, इसलिए आम आदमी पार्टी यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। यूनुस खान की यहाँ दावेदारी समाप्त हो चुकी है, अब अपने चुनाव का आप किस रूप में देखते हैं, कितने आप वोट लोगे और आगे आपका क्या विजन है? देखिए सर, मैं सारी 36 कौम के लिए खड़ा हूँ और हमारी विजन बताइए। देखिए, मैं सब दिल्ली की तर्ज पे आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से निजात दिलाई है, इसी तर्ज पर मैं राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और आम आदमी पार्टियों की नीतियों के अनुसार यहां पे जो है राज लाएंगे। हाँ, मैं हारूं चाहे जीतूं, इस पार्टी को मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव और हर शहर स्तर तक फैलाऊंगा, ये मेरा दायित्व है पार्टी का एक सैनिक होने के नाते।